एवरीवन वेलकम टू शमदास लर्न हियर लीड एनीवेयर। दोस्तों देख रहे हो पीछे एक नंबर लिखा, उसके बाद एक और नंबर लिखा और स्क्वायर आ गया। एक नंबर लिखा फिर एक उसका स्क्वायर आ गया। कितनी कमाल की ट्रिक है, बिल्कुल 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आप इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर बने रहे, आज आपको एक ऐसी कमाल की ट्रिक सिखाने वाला हूँ मैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और बता दो आपको कि आप हर हमारी वीडियो के अंदर गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहे, शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो। स्क्रीन पर चलते हैं, 63 नंबर लेता हूँ मैं पहला। 63 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब 63 का स्क्वायर के लिए जो 3 है उसका स्क्वायर क्या हो गया 9, उसको डबल डिजिट में लिख लेंगे। 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, उसको साइड में लिख लेंगे। अब इस सेंटर के अंदर इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, 6 × 3 × 2 = 36 लिख लिया। उसके बाद लास्ट डिजिट जो है इसकी 9, 0 को आगे फॉरवर्ड किया 6 + 0 = 6, 3 को आगे फॉरवर्ड किया 6 + 6 = 3 = 9, लास्ट का 3 लिख दिया एज इट इज, आपका स्क्वायर आ गया है। कितनी आसान ट्रिक थी, समझाता हूँ। 3 का स्क्वायर लिखो 09, डबल डिजिट में लिखना। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन 3, 6 और 2 का 36, और उसमें 6 का स्क्वायर लास्ट में। अब उसको लिखना कैसे है, 09 का 9 लिखो और 0 को आगे फॉरवर्ड करके 6, 3 + 6 = 9 और लास्ट का 3 एज इट इज। कैलकुलेटर से चेक करके बताता हूँ, 63 × 63 = 3969, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आगे चलता हूँ, आगे की नंबर लेते हैं हम आपके लिए। 57 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। 57 के लिए हमें 7 का स्क्वायर लिख लो 49, ठीक है। उसके बाद इन दोनों नंबर्स 5 का नंबर लिखो, 5 का स्क्वायर 25 आ गया हमारे पास, और इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 35 × 2 कितना हो गया 70, 9 लिखो, 0 + 4 = 4, 7 + 12 = 12, ओके। सो इसका जो स्क्वायर हो गया हमारे पास वो ये हो गया, यहाँ पर 3249 आएगा, सॉरी 7 + 5 = 12 होता है, मिस्टेक, सॉरी। सो इसका स्क्वायर हमारे पास आ गया 3249। एक बार कैलकुलेटर से चेक करके वेरीफाई करवाते हैं आपको, 57 × 57 इज 3249। बिल्कुल सही है, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अब इसी ट्रिक को हम एक अलग मेथड से, ट्रिक यही है बस इसको लिखने का मेथड अलग है, जो कि काफी आसान पड़ता है, आप उसको इजीली समझ सकते हो। तो आज हम इसका दूसरा जो इसका सेकंड मेथड है वो सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड के अंदर हम पहले 57 का निकालते हैं। 57 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 7 के नीचे उसका स्क्वायर लिखो 49, 5 के नीचे उसका स्क्वायर लिखो 25, और उसके बाद इन तीनों को प्रोडक्ट 7, 5 = 35, 35 × 2 = 70 उन दोनों के बीच में रख दो। साइड वाले जो 9 है उसको छोड़ के उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद इसका एड कर दो 9, 3, 2, 4, 9। आगे आपके पास काफी सिंपल तरीका, एक लिखने का तरीका इसके अंदर काफी अच्छा है। सेकंड जो ट्रिक है वो आपको काफी पसंद आएगी। 63 का देखो 09 लिखा, 6 का लिखा 36, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया 36 आया 09, 6, 3, 9, 6, 9, बिल्कुल आ गया। समझ गए होंगे कि आपको ये ट्रिक समझ आ रही होगी कि हम इतनी जल्दी स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। अब एक नंबर और लेते हैं, 83 का स्क्वायर देखो, 83 का स्क्वायर निकालोगे, 3 का स्क्वायर कर दो 09 आएगा, 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64। अभी इन तीनों का मल्टीप्लाई 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 48, 48 लिख दो नीचे, और 9, 8, 8, 6, 6, 8, 8, 9, कितना बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। और हर जो 100 तक के 99 जो नंबर है वहां तक ये ट्रिक बिल्कुल काम करेगी आपकी। इस ट्रिक को किसी भी नंबर पे अप्लाई करके देखो, कैलकुलेटर से देख लो, बिल्कुल सही आया हमारे पास 6889, ठीक है। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। 97 का और देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, 97 का स्क्वायर का 7 का स्क्वायर लिखो इसके नीचे 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर लिखो 49, 9 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 81, ओके। अब इन दोनों का इन तीनों का मल्टीप्लाई 9, 7 = 63, 63 × 2 = 126। उसके बाद देखो अब ये 3 डिजिट आ गया, तो आगे का जो 9 है उसको छोड़ दो और उसके बाद से लिख दो, तो 126 को 4 के नीचे 6 आ गया, इनका सम कर दो हमारे पास आ जाएगा 9409। बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको, यदि समझ नहीं आया तो इस वीडियो को पीछे करिए और उसके बाद देखिए। कैलकुलेटर से चेक करते हैं हम 97 × 97,
हमारे पास आ जाता है 9409, 9409, बिल्कुल सही है माइट्रिक, हर जगह ये वैलिड है, कोई भी नंबर देखियो, 99 का कम करके बताते हैं आपको लास्ट, 99 से 81 लिखो, 99 से 81 इसका लिखो, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई 99 से 81 into 2 162, अब इनके बाद इसको सम अप करके लिख दो। जो सेकंड ट्रिक बैठा है उस लिखने का तरीका काफी अच्छा है, वो आप यूज कर सकते हो। इसका सम करने के बाद हमारे पास आ जाता है 9801, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। अब इसको एक बार कैलकुलेटर से, मेरे को कैसे पता कि ये सही है, मैंने मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी ना, मैंने इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कर लिया, आप जाके बार जरूर उस मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक को भी जरूर देखिए, कैलकुलेटर से किया बिल्कुल सही आया। तो आपने देखा कि हमने कैसे इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करना सीख लिया है। अब आप, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ट्रिक समझ आई होगी, यदि आपको समझ नहीं है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो के थोड़ा एक बार दोबारा देखिए, यदि समझ नहीं आई हो, फिर भी समझ नहीं है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको एक्सप्लेन करने की इस मेथड को, इस ट्रिक को। और हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो में अगली जो भी मैथमेटिक्स की ट्रिक्स की वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो भी 1000 तक के स्क्वेयर्स ऑफ को आप कैसे फाइंड आउट करते हो। हालांकि एग्जाम्स में आपको 100 तक के ही ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, 99 तक ही पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट, इसलिए मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आया 1 से 100 तक के स्क्वेयर्स को फाइंड आउट करने की एक शॉर्ट ट्रिक, ऐसी शॉर्ट ट्रिक 5 सेकंड के अंदर कोई भी आप नंबर का स्क्वेयर फाइंड आउट कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफी गिव अवेज चल रहे हैं इस हमारे चैनल पर, जाके देखिए इन सबको, और इस वीडियो के अंदर भी आप जी सकते हैं। पीछे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दिखी होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है बेसिकली, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये चीज समझ आई, और नहीं आई तो वो भी बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।